यार तीन चीजों मिनट, का, आठ आई थिंक मिनट का रैप था ना आठ एमबीवे का, आठ मिनट मिनट का का रैप रैप था, था, आठ और मिनट इसने का रैप, बोला तो आठ आठ साल के लिए एमबीवे मेरे 6 मिनट काफी आठ है। 8 साल करियर, करियर आठ फॉक, आठ साल उसने एल्बम, इतने साल, तो वी हैड उसने टू एक ब्रिंग आठ द से बेस्ट ऑफ अवाम, तो सबको बुला लिया ये चारों। सही गाइस, मैं हूँ रैप स्ट्री टीचर ए के बैड मूड डी के। हमारे साथ स्क्रीन पे जो जो भी हैं अपना इंट्रोडक्शन देंगे फटाफट। टीम ओनली दिस हिप हॉप, रोहन टीम ओनली शुभम, देसी पॉप। चलो हमारे साथ शुभम है, शिवम है, सुजॉय है एंड विशाल, रोहन, वी हैव टीम ओनली देसी पॉप। ठीक है, तो ये रहा अपने कृष्णा भैया का मचाएंगे फोर। आई थिंक अभी व्यूज 1.2 ट्रेंडिंग मिलियन पे देखा है मैंने। हैशटैग हाँ टू। ट्रेंडिंग टू। चलो ट्रैक है 6 मिनट 41 41 सेकंड का, चलिए शुरू कृष्णास करते हैं। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, यस, कृष्णास लॉन्गेस्ट डिस लॉन्गेस्ट ट्रैक। ट्रैक। लिल बंटी, तुम्हारे अब्बू आ गए फिर। पापा पापा आप फिर आ गए। मुबारक हो मिली ये मौत, तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गिली है बहुत। बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, हार। अब मिलेगा डिनर में एल, एल। इसके मुंह से टपकेगी लार, लार। रैप का दीपक कलाल, कलाल। क्यों आके मरारा हर बार, बार। मैं खारा करारे, तू कोटो से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। कोट डाली कबर तेरी निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोत पे गिराऊं बम लगे। इस मदर चोट पे गिरा हूँ बम लगे बालाकोट। अच्छा तुम लोग बता दिया करना, ठीक है जहाँ पे पॉज करना होगा। आप थोड़ा सा पीछे चल जाइए भैया, ठीक है ठीक है। 10 सेकंड पीछे किया और पीछे थोड़ा सा और। ठीक है। बंटी मैं को बोलूंगा लगी आपको थी, पॉज कर। हाँ प्ले करूं या फिर हाँ कुछ हाँ बोल चलो। रहे हो? मिली थी हार, हार, अब मिलेगा डिनर में एल, एल। इसके मुंह से टपकेगी लार, लार। रैप का दीपक कलाल, कलाल। क्यों आके मरारा हर बार, बार। मैं खारा करारे, तू कोटो से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। कोट डाली कबर तेरी निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। अभी नंदू को भैया ये जो लाइन है, अभिनंदु घुसेगा ये बम्बू, बंद। हाँ ये वाला जो था वो ये आप कैच किया था आपने ये? हाँ किया था मैंने भी। क्या था इसमें? देखो नंदू, कृष्णा पिछले गाने में लिल बंटी में वो शॉर्ट्स में आ गए थे, ठीक है ना? तो बंटाई बस नंदू बोल रहा था, नंदू है शक्ति कपूर, नंदू नारा ठीक है? लटक गोविंदा की फिल्म में ना, रहा वो एक गोविंदा की फिल्म में है। वो नंदू, मैं नंदू सबका बंधु, ढिचकिया राजा बाबू आएंगे, वही वाला। तो वही नंदू बोल रहे कि घुसेड़ेगा बम्बू। पता है ये और नंदू एक वाला हम लोगों दूसरा ने कैच रेफरेंस नहीं भी है इसमें। हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला पकड़ लिए थे। हाँ अच्छा भैया याद है आपको आज बात हो रही थी, आगे वाला पकड़ा था तुम लोगों ने, वो इसके आगे आगे की वर्तमान बार। वाला, वर्तमान हाँ वाला। अच्छा वर्तमान वो वर्तमान नहीं वाला, पकड़ अभी पाया आएगी मैं। इसके आगे की बार। अभी और यहाँ पे जो नंदू बालाकोट है वो है, सुम सर्जिकल स्ट्राइक का रेफरेंस है वो, जो बालाकोट पे हुआ था पाकिस्तान में। वो कंटिन्यूएशन है यहाँ पे, मिलिटेंट वाले बार सारे कंटिन्यूअस है। शुभम वो बता वर्तमान वाला लेकर हूँ। अभी देखिए, अभिनंदू मतलब हाँ अभिनंदन, अभिनंदन वर्तमान वाला अच्छा रेफरेंस है, अच्छा आगे कंटिन्यू होगा। हाँ वही जिनका वो मतलब एयर अटैक में नहीं, उनका फ्लाइट वहां पर हाँ पाकिस्तान में हाँ पड़ा हाँ है, हाँ 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 वो अभिनंदन, अभिनंदन। ये तो मैं समझा ही नहीं। अभिनंदु मतलब अभिनंदन अभिनंदन, अभिनंदन। घुसेड़ेगा हाँ बम्बू, हाँ खतरनाक क्या हिमाचल पे गिरा हूँ बॉम्ब जैसे बालाकोट। शिवम, शिवम ने भी कैच किया, बोल बोले इसीलिए लिरिक्स में लिखा हुआ है घुसेड़ेगा बम्बू, लाइक मैं अभिनंदु मैं हाँ डालूंगा। सही है, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। हाँ यही तो प्लान है आज का, रिज्यूम भैया। पड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोत पे गिरा हूँ बम लगे वाला गोट। लूड़ान हर पास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे कांड में था 2.5 साल, सब जानते हैं बंटी है पुसी। अर्जुन इस लाइन में वो था, अर्जुन वाला अरबाज एंड अर्जुन, अरबाज खान, अर्जुन कपूर। वो अगली अभी लाइन है नेक्स्ट वो है, नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, मलाइका अरोड़ा। अच्छा, उड़ान वो अर्जुन अरबाज बोले भाई ओ साहब, अच्छा, ओ अच्छा मलाइका, ओ और अर्जुन मलाइका अरोड़ा में फर्स्ट मीनिंग भाई अरोड़ा अर्जुन को एंड महाभारत वाला यूज किया है। यस, और वो हाँ अर्जुन मलाइका अर्जुन अरोड़ा महाभारत में। वाला था, ऑब्वियस मीनिंग अर्जुन महाभारत वाला था, बट नेक्स्ट लाइन में अपसाइड डाउन। हाँ हाँ ले करूँ? हाँ सर, श्योर।
हर पास बोले भाई साहब अर्जुन वाला तीर तेरे कांड में था 28 साल सब जानते हैं बंटी है पुसी ओली वांट इज अ लोड़ा ऐसे शौक है मलाइका है अच्छा वो कहा है हाँ देखना बोलता है ओली वांट इज अ लोड़ा में था 28 साल सब जानते हैं बंटी है पुसी ओली वांट इज अ लोड़ा ऐसे शौक अच्छा अरोरा मलाइका अरोरा हाँ यार पूरे बॉलीवुड को भी लपेट लिया ना भाई वर्ड प्ले क्या भैया बॉलीवुड को भी लपेट लिया इसमें पूरा मैं बस इतना समझा था कि वो महाभारत के अर्जुन है वो 28 साल तक वो बाण घुसा के रखे वो भी ठीक से पूरा समझ नहीं पाया था हाँ शौक है मलाइका इसे शौक है मलाइका खतरनाक अभी आगे और भी एक बहुत तगड़ा माइथोलॉजिकल रेफरेंस आने वाला है हाँ वो एक्चुअली में बहुत अच्छा है यार प्लेइंग इसके कौन से रेफरेंस वैसे ही खराब होते हैं बात ये है फैक्ट्स वही तो अगर हमारे पास इतने मतलब होशियार होनहार लोग नहीं होते तो सच में पकड़ नहीं पाते लोग आवाम टॉके मलाइका हाइप लेने आ रहा पर गांड दे रहा बार बार चार फुट का लिली पुटी करेगा क्या मार धाड़ रिग्रेट करे तेरे फोर फादर जब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे चार चार इससे तो पता नहीं किसे अलादीन के अनपढ़ ये पार्ट इतना अच्छा है ये वाला पार्ट इतना अच्छा है वो जिसमें बोलता है कि ये तो अनपढ़ है इसे किससे ही नहीं पता अलादीन के क्योंकि चिराग इसने से जिन निकलता है और वो ख्वाहिश पूरी करता अलादीन नहीं करता था ये पार्ट इतना अच्छा था मतलब जब KRL से आया था तो मैंने शुभम और सुजॉय को बोला था और शिवम को भी कि ये जो बोलता है ना पूरा कर तेरा ड्रीम मैं हूं अलादीन वो एक्चुअली अलादीन का ड्रीम पूरा करता है जीनी यहां पे वो एक्चुअली उल्टा बोल रहा है और वो फोर फादर्स वाला लाइन हाँ कि तुम्हारे फोर फादर्स भी उदास होंगे और ढूंढने पे मिलेंगे तेरे चार बाप फोर फादर आई थिंक वो कलमकार रेफरेंस मेरे को भी वही लगा कलमकार पूरा हां कलमकार पे ले लिया सारे बंदे कर्मा वर्मा सारे सब पर ले कर्मा रफ्तार अंकित करना भी अंकित करना भी दो जनरेशन एक साथ जोड़ दिए एक एंसेस्टर और एक नए प्रेजेंट वाले यूनान चाचा हो गया यूनान भतीजा लगता है यूनान हम रिश्तेदार प्ले प्ले चार चार हिस्से तो पता नहीं किसे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से तेरी जैस्मिन करती है राइड हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे बंदी के बारे कुछ बोलो ना पंजाब में पहली थी जैसे वो कोरोना पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना पॉज पॉज ये सुजाय बताएगा ये पंजाब कोलिना का नाम ऐसे लाया बीच में मतलब ये पूरा अनएक्सपेक्टेड था कि वो ऐसे डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट थ्रो करेगा उसके ऊपर और नेम को ऐसे ट्विस्ट कर दिया लाइक स्वैलो ना पंजाब में वी नो और इसने सीधे मेकओवर का भी रेफरेंस डाला उसमें बोलता है ना वो कि शायद आता था तुझे स्वॉलो करने की एकदम एकदम राइट तो यहाँ पे वो आगे भी है इसमें एक आगे भी है और ये क्या जैस्मिन करती है राइट जैस्मिन ठीक है वो अलादीन की वो तो पता है अलादीन का वो कि वो गर्लफ्रेंड है ठीक है राजकुमारी लेकिन यहाँ पे जैस्मिन का रेफरेंस मतलब वो बंटाई की बंदी के लिए ना हाँ और हाँ घुटने घिसे उसने उड़ती कालीन पे घुटने घिसे मुझे ना पता है गंदी वाली वो मतलब वही वाली पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना ये समझ में आया तुम लोगों को हाँ we're trying not to address it हाँ भाई पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना फैली थी ठीक है आगे बढ़ते हैं आप में फैली थी जैसे वो कोरोना पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना हेलो साइबर बुली तू लोड़े का रैपर हम चलते हैं चौड़े में करे हैं टॉप हिल की ये बातें पर रहता है साइबर पुलिस वाला रेफरेंस क्योंकि ये पेजेस वो करवा देता है ना उड़वा देता है इसी वजह से ये डबल हो गया फाइना उड़वा देती है फाइना उड़वा देती है जो शुभम बोल रहा था कि वो उस टाइम से थ्रेट की थी आई गेस साइबर पुलिस साइबर पुलिस को कॉल कर दूंगी ये वो उसने शायद बोला था कि हेलो साइबर पुलिस शुभम वाला आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस हां क्योंकि उसके लाइक की عوام बहुत परेशान कर रही थी उनको थ्रेट दे रही थी
अच्छा वैसे सोलिना है कौन, मतलब बंटा की गर्लफ्रेंड है या फिर दोस्त है? कंफर्म्ड तो नहीं है बट लाइक गर्लफ्रेंड ही होगी जब इतना है तो दूर के रिश्ते वाली गर्लफ्रेंड ना सब सभी बट ऐसे ऐसे वो कौन है तो शी इज लाइक अ प्रोफेशनल मॉडल तो फिर बाद में ऑल दिस सिंगर क्योंकि वो एक और कोई सा पोस्ट था ना वो शायद उसने डायरेक्ट किया था कौन सा गाना बंटाएगा प्रीवियस पीस टू अरे तो पेजेस उड़ा दिए थे जिन लोगों ने ट्रोल किया था सोलिना को हां तो वैसा ही है The previous piece तो वो शायद direct की थी उसके बाद ही वो उसको भी call कर दिया तो वो MMA का biggest meme base था and that got banned because of MMA तभी तो क्या था नाम था मुंबई के कोने वो सही में अभी पीएसजी का बाप बनकर बैठा हुआ है कौन कौन वो डिसाइड करता है क्लब में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा एम्बापे अच्छा वो कौन है एम्बापे फ्रांस का इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है अच्छा ठीक है, वो अभी बस 22 साल का है लेकिन एक पूरा क्लब उसके अंडर है अच्छा मतलब वो रेगुलेट करता है क्लब में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा तो इधर में सेंस भी बनता है कि वो पीएसजी का ऐसे बाप बनना बैठा है कि कौन रहेगा क्लब में कौन नहीं रहेगा और इधर भी हम हमें बाप है नो पीएसजी अच्छा और ये जीएसटी का क्या मतलब यहाँ पे कृष्णा टैक्स नो जीएसटी नो टैक्स अटैक्स नो जीएसटी अटैक्स टैक्स Tax no GST. ठीक है Not tax, no GST. ये जानते हम बापे नो PSG. मुंबई के सड़कों पे PhD मतलब पीटी यूज डिक इन योर BSc. मेरे मानी कभी हार नहीं तेरे मुंबई की सड़कों पे PhD किया रे अपने सड़कों पे PhD किया हाँ मतलब पीटी यूज डिक इन योर BSc मतलब बैक मुंबई के समय ये वाला पार्ट इसने एक एमिनेम का कोई गाना है यार वैसा साउंड कर रहा हल्का सा इसका एक गाना है एमिनेम का मेरे को याद नहीं है वैसा साउंड करता है अगर वो मतलब सिलेबस को ब्रेक करके ना हां हां एग्जैक्टली एक गाना है एमिनेम सेम ऐसे साउंड करता है ये दो बार हां वो ये नए एल्बम का ही गाना है टू बी मर्डर्ड बाय हां म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय का ही गाना है कोई नहीं सड़कों पे पीएचडी मतलब पीटी यूज डिक इन योर बीएससी के मैंने मानी कभी हार नहीं तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लंडी उखाड़ी 6 महीने से हो रहा फ्लॉप भी बिना डिस्क के इसके ओरे 10 मिली पार नहीं सब खिलू तेरा कह ले तू झील मुझे वर्ड प्ले फ्लॉपी बिना डिस्क के फ्लॉपी डिस्क 6 महीने से हो रहा है फ्लॉपी बिना डिस्क के फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क हां देखिए भी अगर रिएक्शन नहीं देखा जिन लोगों ने जाके देखो ये सभी थोड़ी देर पहले आया और ये सब पकड़ नहीं पाया मैं फ्लॉपी ये ना डिस्क मतलब काफी चीजें छूट गई कृष्णा का डिस्क ऐसा होता है कि भाई 10-12 लोग बैठ के जैसे ना क्लासरूम में डिस्कशन होता है वैसे करो तब डिकोड करके तब मालूम पड़ता है कि हाँ कवि के तात्पर्य ये था अब एक बार में पहले तीन बार में हर बार कुछ नया पकड़ने को मिलता है हां हां एग्जैक्टली तीन बार तो बहुत कम बोल दिए बहुत हमेशा वो म्यूजिक करे हील मुझे इस ट्रैक में अमेरिका फर्स्ट ट्रैक जो मॉक किया गया है अच्छा और फिर वो अपने सॉन्ग में पाइथन बोला था फिर माय सांप जस्ट हो गए फ्राइटेंड पाइथन वही रेफरेंसेस है किसमें पड़ा था केआर एल साइन में हाँ ये इसका क्या मतलब सब छीनू तेरा कह लूं चील मुझे कह लो चील मुझे ठीक है अच्छा चील छीन लेता है ना झपट्टा मार के किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे म्यूजिक करे हील मुझे चल झुक बेटा आ जा दे तू फील तुझे हमारे सांप हो गए फ्राइटन पाइथन हमारे सांप हो जाए फ्राइटन पाइथन सोनी बोला था ना पाइथन हूं मैं हड्डियां तोड़ूंगा हाँ
एंड वो सोनी लिस्टन वाला रेफरेंस विशाल भैया बताया। अच्छा ये कौन है सोनी लिस्टन? सोनी लिस्टन और मोहम्मद अली का फाइट हुआ था बहुत पहले, बहुत अच्छा। पुरानी फाइट हुई थी। हाँ, तो उसमें आई गेस वो कुछ ज्यादा ही सीन हो गया था उसमें। उसके बाद मोहम्मद अली का लाइसेंस कैंसिल हुआ था 1970 तक, उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ था और इसका बदला बाद में मोहम्मद अली ने टाइसन से ही लिया था, मतलब टाइसन के थ्रू लिया था। हाँ, तो आगे टाइसन बार और आगे टाइसन वाली विद नो फाइटिंग फाइटिंग लाइसेंस। हाँ कभी बार चलो वो जो एब्डोमिनल शॉट लगा था ना वो मार दिया था को सब पता है। सनी लिसन मैं अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस, चाहिए पंच लाइन तो मैं माइक पे टाइसन, ये भागे करे डैश चलूं लाइफ पे हाइफन, तू छोटा सा ये वाला मेरे को पता नहीं क्यों ये वाला करना एक बार पॉज। हां ये भागे करे डैश मतलब स्प्रिंट करना और डैश और हाइफन ये वो फिर से समझाओ, भागे करे डैश क्या मतलब? भागे करे डैश, डैश करना मतलब स्प्रिंट करना और डैश जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स मतलब वो मतलब इंग्लिश नोटेशंस में डैश और तो मैं इसका हाइफ़न लगा दूंगा मतलब पॉज कर दूंगा मतलब बंद कर रोक दूंगा इसका। जैसे वो बोलते हैं ना गुणा करना भाग्य करना, तो हाँ। इसने वही यहाँ पे यूज किया है, भाग्य कर देगा वैसे। अच्छा ये भाग्य भी हो सकता है। अरे वो डिवाइड होता है ना डिवाइड, भाग्य। हाँ भाग्य 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 नाइस नाइस। और शुभम तुम्हारा पहला कौन सा तुम क्या बोल रहे थे वो मतलब डैश का मतलब होता है स्प्रिंट करना। अच्छा नहीं गेम का नहीं वो भाग भाई का वो तो है भाग स्प्रिंट। हां हां तो इसके तीन मतलब निकल आए ना भाग और भागे करे डैश मतलब जैसे रिंग में भी आप डॉज करने के लिए लाइक अली का भी स्पेशल था वैसे शफल करके डैश करता हां कंफ्यूज करने के लिए। ये पंच लाइन तो मैं माइक पे टाइसन, ये भागे करे डैश चलूं लाइफ पे हाइफन, तू छोटा सा छोटू यकीन कर, चार फुटिया तू गुड़िया पकड़ के अब नींद कर, यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर। ये अल्टीमेट था, मैं पता है मैं इमेजिन कर रहा था जनवरी बिगिनिंग में कृष्णा का वो गिमिक बनाया था ना वो लड़की बना हुआ का। अरे हाँ 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 तो ये मेरे को प्रोबेबली उससे रिलेटेड लग रहा है। अच्छा मे बी कौन सा? अरे वो एमिवे अपने स्टोरी पे डाला था ना एक लड़की पे ऐसे कृष्णा का हाँ, अच्छा, कोई मॉडल थी वो फेस लगा के यस यस डीप फेक नाचने वाला कुछ था। हाँ हाँ डीप फेक डीप फेक था श्रीफ ने भी डाला था शायद। श्रीफ तो वो तो वो डालता ही रहता है। मैंने आज पहली बार तो उसका पेज देखा, आज तो इसको बताया मैं रोहन को पहली बार पेज देखा भाई क्या ही इन्फ्लुएंसर है बंदा, 700 फॉलोअर इन्फ्लुएंसर उसका मैंने देखा था एक बार उसका रिएक्शन फ्री नाम है ना मतलब क्या बोल रहा था वो मतलब वो चुतियापा ही कर रहा था उसको भी पता कि वो कर रहा है हाँ मतलब भंटाई का मतलब क्या बोलते टॉप लेवल का चमचा है वो मतलब नो कैप का रिएक्शन देखा था उसका मैंने मतलब क्या मतलब निकाल रहा था कहाँ कहाँ से जोड़ रहा था उसको बदनाम कर रहा था उसको भी पता मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है ना बोलते हिंदू धर्म को बेइज्जत कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई महानदी है ना वो सब जो बोला था हाईरेस वाला जो कोलैब था जिसमें कृष्णा बोलता है मैं रजनीकांत रजनीकांत को इंसल्ट कर रहे हो वो तो सारी बद्रीनाथ को भी इंसल्ट कर रहे हो तुम भगवान का भी उसमें श्रीफ की तो सारी चीजें रोहन ही बताता मेरे को उसको देखना मतलब कैंसर है श्रीफ का बहुत बड़ा फैन है रोहन मैं फिर भाई किनिशा के साथ ही ठीक हूँ रोहन है वो आज बहुत खुश होगी कुछ भी बोलो आज सोलिना की बहुत ली गई है बहुत खुश होगी आज। अरे यार चलो आगे प्ले करें पकड़ के अब नींद कर यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर मेरे पास एक सॉलिड सवाल बोल कहां है तेरी नॉलेज गवार गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात ये नार्निया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर पहले हुआ कॉकी और फिर हुआ फ्लॉपी कृष्णा को नहीं जानता था नाउ यू नो ऑफ मी तेरे डिस का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और अवतार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं थोरोब्रेड मैंने झाड़ा अपना शीशी में लंटो पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगे ये सरोगेट समझ गया मैं। हाँ विकी डोनर वो समझ गया मैं ये क्या होता थोरोब्रेड थोरोब्रेड एक हॉर्स एक थोरोब्रेड एक हॉर्स ब्रीड है। अच्छा एक मतलब स्ट्रॉन्ग हॉर्स का ब्रीड है तो एकदम हाईएस्ट लेवल का। आई थिंक उसको गधा या कुछ बोल रहा था ना वो तो अब वो बोल रहा है कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग ब्रीड ऑफ हॉर्स बेसिकली कश्मीर का
कश्मीर का हॉर्स कश्मीर का मैं थोरोब्रेड मैंने झाड़ा अपना शीशी में लंटो पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगेट ये रैपर अब हंसने लगा है जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है लगती तू मियां कली पास यहां पे दो चीज है पहला तो वो उसका कोल्ड वाइब वाला हंसने लगा है इसको ऐसे मॉक किया है और एक बिना ग्लासेस का चश्मा सबको पता है कौन पहनता है पूरे देश में अच्छा बंटा की जो चश्मा है वो बिना ग्लास का है अच्छा मुझे आज पता चला अरे अगर एकदम क्लियरली देखना तो उसकी खत्म खत्म जो गाना है तरफ्तार के लिए उसमें क्लियरली दिखेगा एकदम वो सबसे क्लोज अप वाला है तो उसमें नहीं तो बिना ग्लास का चश्मा कौन पहनता क्यों पहनता है एमवे बंटा है उसका यूएसपी है उसका यूएसपी तो रफ्तार था सत्य से दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है लगती तू मियां कलीफा शहीदी है किन्नी तारीफा आई डोंट नीड अ टिकट ऑफ वीज़ा जस्ट टू गो एंड किक इट लाइक फीफा होल फैमिली होल्डिंग पास 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 हां क्योंकि बीच में ये गया था कतार ठीक है मतलब ये वाला पीएसजी से भी रिलेटेड है क्योंकि नेमार पीएसजी का प्लेयर है ठीक है तो एमवे गया था मतलब कतार उन लोग से मिलने हाँ तो इधर वो ये बोला है कि हमको वीजा वीजा नहीं चाहिए जाना है हमको ऐसे मतलब पिक करने और जो उसका रील वायरल हो रहा था ना भैया अब थोड़ा आगे करोगे तो उसको लिखता जो पोस्चर आएगा उसको फुटबॉलिंग लैंग्वेज में ठीक है वो उसको स्नेक जगल बोलते है तो वो उसे से उससे भी उसको सांप बता रहा है स्नेक अच्छा कौन सा कौन सा लगा है लगती तू मियां कलीफा अभी करेगा आई डोंट नीड अ टिकट ऑफ वीजा जस्ट टू गो एंड किक इट लाइक अब बस इधर इधर अभी अभी आएगा यार का पोस्चर है ना उसको अच्छा मुझे खाली इसमें इसके जॉर्डन्स दिख रहे थे सुजा अपना प्रोफेसर को मुझे खाली खाली मियां खलीफा दिख रही थी और चाहिए कितनी तारीफ है ये पंजाबी में क्यों किया है बादशाह बादशाह का गाना है बादशाह गाना ना अच्छा I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA ये वाला स्टेप एमवे में भी किया था ना शायद क्या ये वाला स्टेप एमवे भी किया है ये स्टेप वो किया है किसी गाने में या किसी पे किया है उसके रील्स पड़े हैं क्या वो रील्स पे I don't need a ticket फुटबॉल खेल रहा था ये वाला मेरे को जहां तक याद है उसने ये स्टेप किसी गाने में किया था या कहीं तो किया है उसने अपने किसी गाने पे डलवाया था यही स्टेप तो इस वजह से उसने यही कर किया था शायद हाँ हाँ बट किया है मीवे ने किया है ये स्टेप मेरे को याद आ रहा है हल्का हल्का बट ऐसा ब्लरी विजन है आगे प्ले करूं Oh, and kick it like FIFA. Whole family holding flowers. Tere golden bars ko de do golden shower. Ab badhiya sa milega tujhe short in motherfucker. I ain't talking about no golden hour. Tu kote mein baitha, main baitha hu kothi mein line kyun maar raha hai abhi bicho. Golden hour matlab matlab short milega recording ke time pe golden hour pe sabse acha recording hota hai kyun lighting usme bahut achi hoti hai. Aur milega tere ko short jaise no golden hour. उसके पहले था योर होल फैमिली होल्डिंग फ्लावर्स लाइक फ्यूनरल होल्डिंग फ्लावर्स फ्यूनरल अच्छा वो गोल्डन गोल्डन शार तो हां सिंपल वेज में सिंपल वेज तेरे गोल्डन बस को दे दूं गोल्डन फ्लावर हाँ लाइक उसकी वो लाइन थी ना कि मैं पाब्लो गॉट ओनली गोल्डन बार्स गोल्डन बार्स अच्छा गोल्डन बार्स तो उस गोल्डन बार्स वाली लाइन पे मैं मूड दूंगा वही कह रहा तेरी बार्स पे तो अच्छा गोल्डन शॉर का मतलब ये होता है हाँ विशाल भैया नो होल्ड्स बार्ड नो होल्ड्स बार्ड कह रहा है WWE रेफरेंस दे रहा है golden flowers tere golden bars ko de do golden shower ab badhiya sa milega tujhe short in motherfucker I ain't talking about no golden hour tu kote mein baitha main baitha hu kothi mein line kyun maar raha hai abhi bhi chauthi ke tera naam aur logo bhi copy hai sab dekhe maine jab tha main wo tokri mein ye rapper ne tiktok ye line bahut tagda reference kaun si tokri pehle wo name aur logo copy to name to khair wo pata hi hai sabko eminem eminem plus logo ka mere ko samajh nahi aya honestly हो सकता है वो कहीं से क्या पता टोकरी वाला भैया आप नहीं नहीं अरे किसने ये पकड़ नहीं पाया था तेरे को किसने बताया टोकरी वाला बहुत अच्छा आप देखा था मैंने जब था मैं वो टोकरी में मतलब
अगर ये माइथोलॉजिस्ट के साइड से देखा जाए, जब कृष्ण भगवान जन्म लिए थे और वासुदेव ने उनको जब छोड़ने जा रहे थे तो वो टोकरी में था और शेषनाग उसको गार्ड कर रहे थे ना, तब से गॉट इट हाँ हाँ, सांप देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में, तो हाँ बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब खतरनाक खतरनाक सुजॉय नाम और लोगों भी कॉपी है सब देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में। ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है, बिस्तर में करता ये नौकरी है। ये तो उसमें भी यूज हुआ था ना, नौकरी है वैसे इंग्लिश रैप। अब वो उसका रेफरेंस तो आप ही बताएं क्या 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 वो क्या था, बिस्तर में करता नौकरी। अरे वो बंटा बिस्तर गरम कर रहा है बस यही है और क्या ही है मतलब की छोकरी है बिस्तर में करता ये नौकरी है। चल बजड़ी के वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी। आर यू फाइन? आज पता क्या हुआ, मैं पता क्लास में था, ठीक है मैं क्लास में था तो मैंने देखा कृष्णा गणेश आ गया, तो किसी बंदे ने उसका मतलब स्निपेट डाला हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे, तो गलती से मैंने वो टैप कर दिया, चल भोजड़ी के आ गया मैं क्लास से भागा। और इस पार्ट में कृष्णा की स्माइल इतनी ज्यादा विकेट, इतनी ज्यादा आवाज में भी बहुत पार्ट बेस्ट है, ग्राइंड वाला पार्ट बेस्ट है, ग्राइंड वाला आज कोई और भी बहुत खुश है ये वाला पार्ट से। कौन कौन ना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी। आर यू फाइन? चिल्ला रहा जैसे गश्ती है परसेंट डॉलर साइन, अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड, सुना दे रहा तू सस्ती में। करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी। आर यू फाइन? चिल्ला रहा जैसे गश्ती है परसेंट डॉलर साइन, अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड, सुना दे रहा तू सस्ती में। एक मिनट सवाल होने का फोन आ रहा है ब्रो। बोल दिया यहां का बिट्स, नो कमेंट्स। ठीक है भाई कॉल रिसीव करो आगे बढ़ो। देखिए तुम लोगों ने मेडुसा की, मैं भी मेडुसा सांप ऊपर से सांप आते हैं ना, अरे नहीं वो उसके बाल ही सांप से बने हुए हैं, जो भी उसको देखेगा डायरेक्टली ना अपनी आंखों से वो पत्थर का बन जाएगा। तो किसने उसको ऐसे मारा था, मतलब किसने उसको आईना उसी को दिखा दिया सामने कर दिया, उसने खुद को ही देख लिया था। हाँ, उसने खुद को डिग्रेड वो एक्सेप्ट कर लेता बहुत बार एक्सेप्ट कर लेता है रफ्तार के लिए भी, कि बस रफ्तार को बोल सके कि हाँ भाई क्या वो उसने जो स्टार्टिंग में बोला था हर रात बोलता होगा अपने लंड को, तो उस चीज को भी लेके हाँ ठीक है मान लिया। हाँ जैसे एक्सेप्ट कृष्णा बोला था मेरा एक गाना तेरे 8 का बराबर, वो अपने एल्बम का नाम ही 8 रख लिया। मेरा एक गाना तेरे 8 के बराबर, हाँ अच्छा इसलिए उसने रखा था 8 ना। नहीं सुजय ट्विटर पे था काफी पहले, अभी रिसेंटली सीन थोड़ा हॉट हुआ तो सोचा वापस आते हैं, तो 2-3 दिन पहले इंस्टॉल किया आके कृष्णा एकदम फैन पेज टाइप नाम अपना रखा हुआ था, बट ट्वीट इसके सारे कृष्णा रिलेटेड थे और ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, 2-3 होंगे, कल इसका भी जुड़ा दिया गया। हाय किसी वाला फ्रेंड हो गया, कल से ट्वीट पर फ्रेंड हो गया, हम बस लिख दिया एमवीपी गॉन केस, ये लिखा है एमवीपी गॉन केस, इसका ट्विटर गॉन भाई, ट्विटर गॉन केस। नहीं तो देखो जितने भी लोग देख रहे हैं मैं बता दूं कि भाई हम कृष्णा का भी गाना सुनते हैं, हम बंटाई का भी गाना सुनते हैं, आपने चुसंबा का सुन लो, उसमें मैंने ना कृष्णा को बहुत अच्छे से धोया है, सुजॉय सॉरी। तो भाई मेरा चैनल गायब मत करना जो भी देख रहे हो, बीकेपी रिस्पेक्ट है भाई, चुसंबा के लिए भी जाकर मेरा रिएक्शन पहले देख लेना कुछ करने के पहले, भैया पहले सेफ साइड हो, डर लगता है भाई।
अभी अच्छा होना चाहिए, होना चाहिए। भैया को पार्ट थोड़े थोड़े क्लिप करने पड़ेंगे, नहीं ये पार्ट सेफ नहीं लग रहा। चलो प्ले करो। चिड़ा क्यों बंटी है चिड़ा, रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू। ली जगह मैं ना आया जगह मांग के, किया तुझे कॉर्नर फसाया तुझे जान के। लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू स्पीड, साल लगता है मुझे तू आया है दागिस्तान से। 5G जमाना तू 3G पैक पे, दिया मेक ओवर मैंने ली थी बैग से। इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बेच के लिए। शी वांट्स इजी एक्स। समझे? समझे? अरे बंटाई ने पता क्या बोला? वैसे नहीं आ रहा है वैसे। बंटाई ने बोला था कि हाँ पहले तो वो खबीब वाला बार था। हाँ बोला था एमएमए का फाइटर खबीब। हाँ मैं खबीब, तू ग्रेगर, ये हाँ तेरा एंड। तो उसमें भी बोला गया है एंड उसके जस्ट पहले वाले लाइन में भी कुछ था। एक बार अगर आप बैक करके पॉज करो तो अब स्टार्ट करो वो डॉलर के बाद वाले लाइन। क्यों मुझसे क्यों फिर रहा, क्यों बंटी है चिड़ा, रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू। ली जगह मैं ना आया जगह मांग के, किया तुझे कॉर्नर फसाया तुझे जान के। लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू स्पीड, साल लगता है। ये भाई कॉर्नर करना बॉक्सिंग रेफरेंस। हाँ एक बार ऐसा भी होता है कि आप कॉर्नर कर लो तो ऑलमोस्ट आपके हाथ में गेम हो जाता है। और एक है कि आई थिंक ये जो पूरा सेटअप है ना, लाइक ऑल दिस स्टार्टेड फ्रॉम फीवर स्विच लंगर, और ये कैसे में भी बोलता है कि सब इसके अगेंस्ट प्लान करते हैं। तो आई थिंक ये ऐसा बोल रहा है कि हाँ कॉर्नर जान के किया था, लो कॉर्नर। कॉर्नर भी हो सकता है कॉर्नर मैकग्रेगर। अरे कॉर्नर कॉर्नर। हाँ क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एमएमए की, खबीब है एमएमए से कॉर्नर। हाँ 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 एग्जैक्टली। डैम डैम डैम। चलो मैंने भी पकड़ लिया उड़ता हुआ तीर। और ये इसका क्या मतलब है, खबीब डिसलॉयल टू हिज पीप्स, अपने दोस्तों पे डिसलॉयल है, स्निच करता है। हाँ इसलिए ठीक है। मुझे तू आया है दागिस्तान से, 5G जमाना तू 3G पैक पे, दिया मेक ओवर मैंने ली थी बैग से। दिया मेक ओवर, मेक ओवर तो कृष्णा गाना है ना। हाँ दिया मेक ओवर पहला। दिया मेक ओवर अच्छा वो किसके लिए था, बंटाई के लिए। बंटाई के लिए ऑब्वियसली। समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बेच के लिए। शी वांट्स इजी एक्सेस। नाड़ा मेरे को ऐसा क्या कृष्णा जो शॉर्ट्स में आए थे ना पिछले गाने में आदिल बंटी में, तो उसका मजाक उड़ाया था बंटाई ने, बोला कि ये नाड़ा नंदू फिर से नाड़ा लटक रहा है। तो यही बोल रहे हैं कृष्णा कि नाड़ा लटक रहा है क्योंकि ये बंदी wants easy access, your तेरी bitch। शुभम कहाँ चला गया? शिवम शिवम से कॉल आ गया। चलो कैसे लगता है खर्चों पे टैक्स, तेरे लेवल वाले तो सारे हैं बरसों से वैक। शॉप नहीं करने का बच्चों से बहस, नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्चों के टैग। डिवाइन ने शो पे मिलाया था ग्रुपी, तू बैक स्टेज आया था। ये किसकी ये मिमिक्री थी? डिवाइन ने मिलाया था भैया, तो उसने बोला था ना एमिवे ने पीआर में यंग गालिब एंड गॉश के अलावा। आई डाउट कि कोई भी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बट वही कह रहा है कि सब लोग इसको पोक करते रहते हैं। लाइक कुछ भी गाना आता है तो 50 स्टोरी आ जाती है। ही इज सेइंग दैट मुझे बच्चों से बहस करने का शौक नहीं है। सही बात यार। मिंटा की अगर वो आज किसी ने पता नहीं किसी ने तो डाला था मिंटा का, देखा था मैंने, मिंटा ने रेलवे बना रखी थी भाई। हाँ। पता नहीं वो जब भी वो डाल ही देता है, लेकिन 100-200 डालता वो एक बार में। कुछ भी मैनेजमेंट व्यंजन था वायरल में कर रहा था शोज। तो जैसे एमवी ने बोला था कि डिवाइन ने तुमको शो पे बुलाया था मुझे, और जिस शो में मैंने सुना, लेकिन एक्चुअल में वो शो के लाइनअप पे प्रभदीप कृष्णा और डिवाइन थे। और वो आया था एमवी मिलने आया था डिवाइन से बैक स्टेज फोटो खिंचवाने के।
अच्छा। फोटो खिंचा रहा है ऐसा कृष्णा एक चैनल पे ये पोस्ट भी हुआ है यहाँ पे वैसे लाइनअप में तीनों है कृष्णा प्रदीप और डिवाइन है अच्छा और नेक्स्ट पिक्चर में विजिटर लग रहा है वो लोग ऐसे सब विजिट कर रहे हैं और एक बात वो जो था ना वो लोगो कॉपी जो हम लोग कैच नहीं कर पा रहे थे आज तुम लोग पोल खोल दे गया बंटाई का देख लीजिए भाई आपका चैनल है वही हम बंटाई की पब्लिक आप बंटाई की पब्लिक आप जाकर चुसंबा का रिएक्शन देखो उसके बाद आप बोलोगे डीके भाई हम आपके साथ है डीके भाई जिंदाबाद बोलोगे तो डीके भाई फॉर बीकेपी डीके भाई फॉर बीकेपी आवाम दोनों के लिए हम रिएक्शन चैनल वाले ना हम दोनों को सपोर्ट करते हैं हम दोनों मजे देखते हैं भैया हम कट्टर वाले हैं लेकर और एक से एक 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 और इसमें बोला कि मैं बिना लेबल के व्यंजन वायरल था इंटरनेट में व्यंजन वायरल था जैसे जैसे एमवे क्लेम करता है कि इंडिपेंडेंस है कि वो पहला इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट था तो मतलब तो बोला कि व्यंजन पैवे से बिना लेबल के मतलब बहुत वायरल हो गया था पता है आई फील जहां तक इंडिपेंडेंट की बात है ना व्यंजन से भी बड़ा फ्लेक्स है कैसा मेरा देश और उस टाइम सबसे बेस्ट 2009 में साउथ एशिया में अपार्ट फ्रॉम बोहेमिया कोई भी नहीं था एंड वहां पे ऐसे जाके टॉप टू में ट्रेंड करना विदाउट एनीथिंग उस वीडियो की क्वालिटी वगैरह भी सब बहुत ही एवरेज है एंड ऐसा मेरा देश वो फ्लेक्स होना चाहिए बस सावन के लोग अच्छा ये बताओ ये जो कृष्णा का अभी जो अपीयरेंस है हाथ में शॉवेल क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अच्छा माँ कसम वाला ये कृष्णा केम ऑफ द बस ऑफ सीधा मेरे को हुआ जिस बस से वो उस टाइम एंड बीच में स्विच करके ही इज लाइक ओके मागसम मोड अभी एक जो लाइन था वो अलाउड वाला लाइक सावन वाला ही सेज दैट वही लाइक मे बी हां डिस्ट्रीब्यूटर से ऐप वाले लोगों से डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा कृष्णा ने अलाउड मे बी अ रेफरेंस टू साउंडक्लाउड रैपर्स क्योंकि लोग जो शुरू करते हैं ना रैप तो फिर मोस्टली साउंडक्लाउड पे रहते हैं क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है आपको अलग से चार्जेस नहीं लगता और गाने में अपने कोट का भी शाउट आउट किया टू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से बातें बदलती नहीं कहने से बोला को लैब हम करते तू डाले फिर शर्ते की गाना आए तेरे ही चैनल से पूरा नहीं माना दिया था गाना बदले में कुछ भी मांगा एक बार नहीं चार साल तूने कमाया उस गाने से किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं ये ले पॉज पॉज पहले करेक्शन वो अलाउड ना आई थिंक वो एमवे की लेबल की बात हो रही है कुछ टाइम पहले ऐसे एक कोई पोस्ट आया था जहां बोला गया था दैट एमवे इज नॉट इंडिपेंडेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही वाज साइंड टू सम लेबल और एक कोई है उसके अंडर भी साइन था किसी ने लिखा था कुछ और नाम था उसका कुछ कल्चर मशीन या ऐसे कुछ नाम है इंडिपेंडेंट क्यों बोलता है और यहां पे तो उसकी बात हो रही थी और ये जैसे 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 एमवे ने गाने में बोला था कि दिस मतलब कि पहले कोलैब किया फिर डिस किया उसके बाद तो फेमस हुआ तो बोला कि कोलैब करने तू आया था मेरे पास मेरा गाना था वो और तूने बोला और बोला कोलैब करूंगा और मेरा शर्त है कि मैं अपने चैनल पे वो अपलोड करूंगा और फिर बोला कि तूने मेरे चार साल से उसके व्यूज खाए पैसे और वो बोला चार साल कमाए क्योंकि फाइनली बहुत ट्रोल होने के बाद मुंबई से दिल्ली तक नहीं समझा नहीं चार साल वो कैसे खाए गाना कृष्णा के चैनल से आया था वो कैसे खाए गाना नहीं कृष्णा के चैनल एमवे के चैनल पे था होगा गाना था वो कृष्णा का लेकिन बट एमवे कोलैब करके शर्त लगाया कि मेरे चैनल पे अच्छा और फिर वो उस चैनल पे चार साल तक रहा वो गाना और अभी रिसेंटली प्राइवेट हो गया एमवे खुद प्राइवेट किया गाना पहले से बातें बदलती नहीं कहने से बोला को लैब हम करते तू डाले फिर शर्ते की गाना आए तेरे ही चैनल से पूरा नहीं माना दिया था गाना बदले में कुछ भी मांगा एक बार नहीं चार साल तूने कमाया उस गाने से किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं ये ले अब फैसले तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे मैंने क्यों किया डेस आई एम द ओनली वन डूइंग इट राइट नाउ बोल के थप्पा लगा रहा था तू रैप पे कवर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन कृष्णा बता रहा कि उसने डिस क्यों किया था
ठीक है यहाँ पे समझे कबर में सुलाऊं लाइक किड को नैप नैप देना ठीक है वो एंड किडनैप आगे रैंसम पैसे एंड मुझे लग रहा ना ये गुड नाइट ग्रैंडसन ये कहीं का रेफरेंस है ये कहीं का रेफरेंस है राइट आई आल्सो हां कबर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन आई गेस सीरीज कुछ होगा हां हो सकता है पर साउंड भी पिछले वाले की तरह कर रहा है वो रैम्पेज जैक्सन वाली लाइन हां भाई हां Exactly लिल बंटी वाला था लिल बंटी वाला सेम फ्लोर गुड नाइट ग्रैंडसन कुछ तो है ये रिकॉर्ड कर लिया नाइट नाइट नहीं समझ में नहीं आ रहा है ओके ओके कंटिन्यू ये बताओ ये जो है सफेद होगी शक्ल नो मैरिलिन मैनसन इसका क्या मतलब मैरिलिन मैनसन तो अमेरिकन सिंगर है वो सफेद होगी शक्ल मतलब व्हाइट है ना इसकी हाँ सफेद होगी शक्ल तो मतलब कनेक्शन क्या है बंटाई का उससे व्हाइट होगी शक्ल अरे शाहरुख का शाहरुख इज द ओरिजिनल नेम ऑफ बंटाई हां शाहरुख शेख हां आई विल टर्न यू व्हाइट लाइक मैरिलिन मैनसन एंड फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम हां मतलब एक तरह से उसको काला भी बोल रहे कृष्णा ना कि तू काला है हां एंड व्हाइट रेफरेंस व्हाइट वो स्वालिना हाँ कम स्वालिना नहीं कह रहा है हाँ कम स्वालिना मतलब मैंने ओके स्वालिना के लिए एक दिन के लिए आज बहुत हो गया भाई अरे एक बंदी ने पता है मेरे स्टोरी को रिप्लाई करके कहा था कि कृष्णा ने बंटाई को कहाँ डिस किया उसने स्वालिना के बारे में सब कुछ बोला है उसको डिस किया है हाँ वो बात है होगी शक्ल नो मैरिलिन मैनसन ना फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम बंटी बधाई हो मैंने इंप्रूव करवाई है तेरी लिखाई को आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो माय गॉश ओ माय गॉश बंटी तू कैसा है राइवल इसके लेवल का पॉज गॉश समझ में आ रहा है यहां पे गॉश आपको नहीं समझ आया माय गॉश इज माय वन ऑफ माय फेवरेट डीएस राइटिंग गॉश के बारे में बोल रही है कि गॉश ने लिखा है तेरी पंच लाइंस को लिखा और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोलता है गॉड्स तो मुझे आइडल मानता है हाँ मतलब तुम्हारे तुम्हारे लेबल का बेस्ट आर्टिस्ट मेरे को गॉड्स की क्रेडिबिलिटी को यहाँ पे पैनल में 6 लोग हैं 6 एग्री करेंगे कि गॉड्स इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ बंडर यस यस माय वन ऑफ द गॉड्स अगर कलाकार में होता लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि बंटाई के बाद बंटाई टैलेंटेड है उसके बाद गॉड्स है हां आएगी उसके बाद मैं गॉश को मानता हूँ मैं मानता हूँ बस है ना बंटाई को गॉश को मतलब जो अच्छे रैपर्स हैं बंटाई रिकॉर्ड्स में बाकी मैं जानता भी नहीं जानता है मुझे मतलब अच्छा करेंगे वैसा तभी तो नो सामने आएंगे वो लोग गॉश कहता है कि he has his idols रफ्तार बंटाई मूफार कृष्णा एवरीवन तो यहाँ पे वो कह रहा है कि your best rapper considers his idol हाँ और लेकिन इस सॉन्ग के बाद ये रिलीज होने के बाद गॉश एक स्टोरी डाला जिसमें वो दिखाया कि वो बंटाई का सिग्नेचर बंटाई के सिग्नेचर को वॉल पे लगा के रखा हाँ हाँ तो वो also unfollow कर दिया वो हाँ unfollow कर दिया गॉश ने कुछ लिखा है कि वो यूनिटी खत्म अब ऐसा कुछ नहीं मतलब कि don't expect beauty from me kind of हर्जस position में है वो अगर आप लोगों को याद हो कृष्णा मूफट क्या हर्जस
कृष्णा वर्सेस मुफार चल रहा था तो हरजस बीइंग मुफार्स बेस्ट फ्रेंड एंड साइंड अंडर कलमकर तो वो बहुत उसके लिए भी कंफ्यूजिंग हो गया था उस टाइम। अच्छा बस गॉस का कॉल रिकॉर्डिंग लीक नहीं हुआ अभी तक। बेस्ट रैपर रखता है झाट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल। बेइज्जती कैसे तू सहती है रोज, मिलेगी चूत अपनी पैंटी में खोज। यहाँ पे देखा तुम लोगों ने टोन चेंज हुआ, यहाँ पे जेंडर चेंज हुआ। बेइज्जती कैसे सहती है तू रोज, सहती है नेक्स्ट लाइन तो मतलब मिलेगी डैश अपनी पैंटी में खोज। रूप नखा तू नाच कटवाई है नाक पर, मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष। सुना तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है। मिंटू और फोटो में दांत क्यों दिखाती है, लगता है बंटी का तू ही चबा। मिंटा को या मिंटू बोल रहा क्या? मिंटू हर फोटो में दांत मिंटा को बोला गया, उस ही हैज ब्लू हेयर। इट वाज वेरी सैटिस्फाइंग टू हियर समवन स्पीक अबाउट। और यहां पे देखा एक तुम लोगों ने एक माइथोलॉजिकल रेफरेंस था शूर्पणखा का। हां हां कटाई है मैं फैमिली को क्यों दोष दूं। हां 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 मिंटा भी शायद खुश हो आज। मिंटा लुक्स लाइक उसके बाल में फैंटा गिरा। क्या अब मौका मिला, नाम तो लिया एटलीस्ट। भाई सुनाती है एक्चुअली। हां हां लैग मरे जा रहा है यार। हां उसका भी हो गया। अरे लैग क्या लगातार स्टोरी मैं पढ़ता हूं समझ में ही नहीं आता क्या लिख रहा है। अभी अभी दिस के बाद फिर स्टोरी आ गया तो मुंबई में आएगा इधर आके लिखा है। पता है जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो ऐसे वो बोला था कि मुंबई में आके दिखाओ एंड देन रफ्तार ऐसे स्टोरी डाला था कि वो मुंबई में कार लेके बैठा हुआ है और उसी एरिया में क्या फ्लेक्स भाई ना कि और वो भी डाला था कोविड पहला घूमा चला लेकिन बेकार। हां अपना गाना का लाइन डाला गोट गोट देखो गोट देखो गोट देखो का लाइन डाला था। कंटिन्यू आती है इस पे तो लगा मैं मजबूत आदमियों के हमाम में मत घुस। बंटी का हजाम है अद्भुत झांट जैसे बालपुरी आवाम है हसमुख। तेरा करियर बनाया रफ्तार ने हाँ जाके अब तू आवाम है हसमुख। हाँ बंटी का हजाम अद्भुत, उसके बाल को कंपेयर किया गया किसी चीज से कहीं के बाल से उसके बाल को कंपेयर किया गया है। थोड़ा शर्म तो सीख जैसे यार तेरे पैंते फूल में भी कपड़े गाने में केले पकेले पकेला खाओ नजदीकी तालुका तेरे बनाना से। ये एक्चुअल में चुसंबा गाने में रिफिक्स पूल के अंदर कपड़े पहन के था तो रिफिक्स जो था वो शायद आई गेस चुसंबा गाने पूल के अंदर कपड़े पहना तो उसे बोलता है कि कुछ शर्म तो सीख जैसे तेरे दोस्त पूल में भी कपड़े पहन के रहते हैं। आई थिंक गेल के टाइम जो गेल वाला कोलैब था उसमें भी बीआर आर्टिस्ट ऐसे पूल में कपड़े पहन देते ऐसे ही। अच्छा लाइक मैंने जो रिएक्शन आल्सो रफ्तार के दलवे चैट पर रफ्तार को बहुत डिस किया गया केआरएल साइन में कृष्णा से ज्यादा आई थिंक रफ्तार के पीछे पड़ा था वो उस टाइम। हां सीधा सीधी तो एक बार भी कृष्णा का नाम नहीं लिया उल्टा रफ्तार के पीछे पड़ रहे हैं। मैंने जब रिएक्शन डाला पता है मैं कॉन्फिडेंट था कि चलो मैंने 60-70% मैंने चीजें मतलब ब्रेक डाउन कर दी लेकिन अभी मालूम पड़ रहा कि इन सब ये सब चीजें तो मैं मिस ही कर दिया था मैं। अरे वो हमाम वाली लाइन भी तो ऐसी है। हां हां कौन सा वाली हमाम हमाम जाके इसमें क्या वो नहीं कह रहा तू नरम एंड वीक थोड़ा शर्म तो सीख तेरे बनाना से पैंतार ने हां जा मैं अद्भुत झांट जैसे बालपुरी आवाम में हंसमुख तेरा करियर बनाया रफ बंडी मजबूत आदमियों के हमाम में मत घुस। हाँ ये वाली लाइन हमाम मजबूत तो ऑब्वियसली हमाम जो होती है ना वो एक्चुअली बाथ टब होता है जिसमें सिर्फ आदमी लोग जाते हैं। अच्छा तो वही कह रहा आदमियों के हमाम में मत घुस। हाँ तू आदमी नहीं है मिंटा को तो आदमी नहीं है। अच्छा ये मिंटा के लिए था। हाँ नाइस। वैसे बंटा रिकॉर्ड्स में आर्टिस्ट कौन कौन है? बंटा को जानता हूँ मैं, गॉस को जानता हूँ, अनगिनत मिंटा है वो। हाँ वही गॉस गॉस और बंटा और गालिब है। थोराट भी है ना जाने। थोराट मेरा फेवरेट। उसके बीट प्रोड्यूसर शायद रिफिक्स मेरे को एक पता है कि वो अच्छा होगा। वो अच्छा भैया भैया सुनिए सुनिए रात के 1 बजे रोहन जाने दे बहुत बड़ा फैन है थोराट का। आई मीन कौन रोहन ना बीआर से बहुत इजी है। रोहन कड़ी पत्ता बीआर से साइन होना बहुत इजी है आपको 2-3 steps करने हैं बस। क्या कैसे क्या करना है? स्टोरी डालनी आनी चाहिए आपको अच्छे से। रॉब्सी रॉब्सी बेसिकली रॉब्सी कह रहा है रॉब्सी बन जाना आपको। वो भी बंदा मतलब बहुत खुजली करता है ना वीडियो के बाद रॉब्सी काम उतना नहीं करता है। स्टोरी स्टोरी गेम खेलता वो रॉब्सी का है कि 6 लाख के साथ कोलैब आ रहा है
रॉपसी सब किया, उसके बाद आइडिया चैनल वैनल खुजेगा, स्ट्राइक डलवाएगा, अरे नाम लिया मेरा, ओ बजा के तू मेरे, तू बजा के फिर डीएम में आ जाता ऑडियो भेजने, हाँ वही तो कोई दोस्त था तुमसे भी उसकी बात हुई ना रॉपसी की डीएम में? नहीं फॉर्चुनेटली नहीं, अरे बहुत पहले हुई थी आई थिंक, मेरा कोई दोस्त था रिसेंटली, वो बोल रहा था कि वो आके मेरे को गाली दे रहा, सीधा गाली दे रहा है, तो इसने भी गाली दे दिया, वो यही करता है, हाँ वो सीधा डीएम में घुस जाता है, रॉपसी और काम यही दोनों है, आई हैव अ थिक स्किन, थिक स्किन, अश्लील लौंडा है ना, अपमानजनक बातें करता है वो रॉपसी, सही है 40 उसके लिए बहुत सही है, वो दो ही लाइन, ये अपना 40 है, अपना 40 बहुत भाई, देखो इसकी शक्ल 40 से मिलती है, मिलती है थोड़ी बहुत, मिलती है मिलती है, मैंने 40 का एक लाइव वो शो देख रहा था, वो रील किसने डाली थी, वो बोल रहा था कि मेरा मेरा बच्चा या मेरा बेटा ऐसे कुछ, हां तो लोग चिल्ला रहे थे रॉबसी, अरे वो तो बस एक दो लाइन बोलता है वो, उसके ऊपर पूरा डिस्ट्रैक्ट निकाल देता है, वो पूरा डिस निकालता है, सही बात, उसको भी काम नहीं कुछ, मैंने झाड़ा नहीं, खुद ही मेरे रॉब जल गए, फुल एक डिस्ट्रैक्ट, बहुत अलग वो अपना, मतलब वो वैसा है कि आप बैल मुझे मार, हाँ बैल मारेगा, हाँ हैप्पी आई एम हैप्पी, बैल ने मारा मुझे, मैं फेमस फेमस, बंटी का हजाम है अद्भुत, छान जैसे बालपुरी आवाम है हसमुख, तेरा करियर बनाया रफ्तार ने, हाँ जाके अब चूम केले पकेले पकेला खाओ, नजदीकी तालुका तेरे बनाना से, ये दिल्ली की सल्तनत में ही उल्त मशतू तो जनानी जना, ये देखो दिल्ली की सल्तनत, और इसके पहले ये कह रहा है कि बनाना से तेरा मतलब काफी मतलब नजदीकी तालुकात है, बनाना मंकी, अच्छा यहाँ दो मतलब म्यूजिक भी डाली है, और ये लोग बहुत सही काम करते हैं इस चीज को लेके, इसने बंदर वाली डाली, याद है एमिवे ने जब वो बोला था कि ले तेरा नाम ले रहा हूँ जश्न मना आज से तू केआर डॉलर साइन नहीं, तो अगर कोई ध्यान से सुनेगा उसमें पीछे शैंपेन की बॉटल खुलने की आवाज आएगी, एकदम ध्यान से सुनना, उसमें शैंपेन की बॉटल खुलती है, ओ अच्छा ये लोग वाला अंकित करना वाला, हाँ उसके बाद जो एक लाइन आएगी वो बोलता है आज से तू केआर डॉलर साइन नहीं, तो उस वाले जश्न मना जब बोलता है तब वो शैंपेन की बॉटल खुलेगी एडलेस में, वैसे ये लोग बहुत सही यूज करते हैं, और ये अल्तमश इल्तुतमिश अल्तमश, अरे ये कोई दिल्ली सल्तनत का मतलब रूलर रूलर था कोई, हाँ और जमान जनावा जनान, तू तो जनानी तो जनाना में मिसोजिनी का प्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग सुजा चुप हो, क्या बात सुजा, क्या बात है तुम चुप हो गए एकदम, ये क्या है ये वाला ये सुजा बताएगा ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट फेवरेट आर्टिस्ट डालना वाला, आपने आई थिंक रिएक्ट किया था चौको पे, चोको हाँ 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 का करता है, अच्छा 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 आप समझा, सुनते फिर से, कांडू अंग्रेजी नहीं आती तो बेसी तो जनानी जनाना में, कदा बहन थिंकिंग अबाउट रैप साउंडिंग हिप अबाउट कांडू अंग्रेजी, अच्छा उसकी इंग्लिश का मजाक उड़ा रहा था, यस यस सुनते फिर से मजा आ रहा था, नहीं यूं तो मशहूर तो जनानी जनाना में, कदा बहन थिंकिंग अबाउट रैप साउंडिंग हिप अबाउट कांडू अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती हां असली, अच्छा हां अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती हां असली में, करती तू रैप नहीं करती तू रैप नहीं, रैप तेरी एल्बम थी फ्लॉप से ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैप की, स्वीटिश का खाएगी पड़गी ना भाई, क्या बार है भाई क्या बार है, इंस्ट्रक्शन क्या एल्बम आगे चला गया, और भाई आपने प्रोड्यूसर की बात किया, पेंडो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर पेंडो 46 उसका 8 साल प्रोड्यूसर है, 8 साल का प्रोड्यूसर है, पेंडो 46 की कितनी बीट्स है उसके गाने, फ्लैम बॉय कर लिया उसने, हां वो कोलैब था पेंडो से, कोलैब नहीं हुआ तो बीट ही खरीद लिया, बीट खरीद लिया, और मेरा ये मानना है पेंडो रो रहा है, पेंडो रो रहा है, हां पेंडो रो रहा है, पता है कोई स्टोरी लगाई हुई है, हां कि मुझे बताया नहीं डाला, फाइनल में भी डाला, फाइनल में डाला कुछ, और मेरा मानना यही है कि इसका रिप्लाई इतना लेट आया क्योंकि वो बैठे बैठे ढूंढ रहा था कौन इसके साथ मतलब इसका बीट बनाता है, अब खुद बीट बनाना सीखेगा तो कोई मतलब कृष्णा एक्स मैक्स तो प्रोड्यूसर ने छीन ले, कृष्णा एक्स मैक्स नेक्स्ट, देखो बढ़िया खेल रहा ना, एक क्या बोलते हैं साम दाम दंड भाई, पता ही नहीं था फूट डाल रहा कृष्णा, फ्लैम वॉइस से ना वो गाने से बियॉन्ड सोचता है, हां हां ये सबसे ना थोड़ी खटपट हो गई, पर्सनली कुछ नहीं बोलेगा बट ऐसा कुछ उठा लेगा कि पर्सनली हिट करे, ही विल अटैक यू,
अब इसमें कितने लोगों को लपेटा, मुंह फाड़ का मां कसम ले गया था। अभी मचाएंगे पूरा खा गया, वो सीरीज निकाल ही नहीं सकता। हाँ। अब डाल ही नहीं पाएगा फोन। अभी का टाइम ऐसा है, मचाएंगे किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे टाइप करो, सिर्फ मचाएंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। मच लिखता नहीं था यार, पूरा कभी सोचा नहीं था किसी मचाएंगे के फैन होंगे हम लोग। हाँ, बस इक्वल, बस इक्वल मचाएंगे। अब एंड में आएगा मचाएंगे। से ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैब की, स्वीडिश का खाएगी पड़वी ये खुद ही मिठाई, मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई, फिलहाल की कर्रा में टाइम से लाल में जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई। 26 जुलाई भैया सुजय, 26 जुलाई विजय कारगिल दिवस। हाँ, कारगिल विजय दिवस। और उस शुरू में जो भी था अभिनंदन, अभी अब समझ लो और ये क्या था बिलाल, बिलाल की लाल, बिलाल उसका असली नाम है, बिलाल उसका असली नाम है। कितने नाम है उसके, बिलाल नाम है, शाहरुख नाम है, बिलाल शाहरुख, बिलाल शेख, शाहरुख बिलाल शेख। अच्छा, बिलाल शाहरुख। हां, बन रही है भाई, बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल में जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई, लेने की शौकीन आवाम, फक फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम। डीके भैया ने जो पिछला क्वेश्चन पूछा कि कितने नाम है यार इसके, ये टेम्पलेट जैसा साउंड नहीं करता सुनने कितने नाम है आ गया। कितने नाम है इसके, इसमें भी देखना एडलिस्ट चलाई, लेने की शौकीन आवाम, फक फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम, लिल बंटी से फटी थी गांड, तभी 8 मिनट चिल्लाई ये राम। ये मुझे बड़ा सही लगा। अब वो जब रा बोल के रुकेगा उसमें पीछे एडलिस्ट सुनना चिल्लाता है। अच्छा, क्या था वो एमी में चिल्ला के गाता है ना, या कोई भी मतलब ऐसा कोई एग्रेसिव रैप करता है जब, तो उसके लिए तो हर गाने में चिल्लाता है। हां, और वही रफ्तार गाने क्या। हाँ, बस बस रफ्तार वाला भी पूरा ले लिया एमीवे के एक ही गाना। भैया आप ना वो टाइटल बदल दीजिएगा, रिएक्शन विद आवाम। आवाम रिएक्ट्स, आवाम रिएक्ट्स, फिर एक ना बीके भी आपके चैनल अकेले। हाँ, एक बीके भी फीचरिंग रोहन कड़ी पत्ता। अरे ये तो पक्का रहेगा रोहन कड़ी पत्ता। अरे ओनली दिस हिप हॉप भैया, गो फॉलो को राजी है, पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे 8 के लिए, मेरे 6 मिनट काफी है, मचाएंगे 4 इसे लंदन पर। यहां पे वर्ड प्ले, क्या 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 क्या, इस पे भी वर्ड प्ले था, 8 पे भी वर्ड प्ले है, 8 पे 8। अच्छा, 8 8 है ना, 8 8 एल्बम यार, 3 चीज हो गए, 8 मिनट का रैप था ना एमीवे का, 8 मिनट का रैप था, 8 मिनट का रैप, 8 साल के लिए मेरे 6 मिनट काफी है, 8 साल करियर, करियर कृष्णा, मतलब कितना कठोर है, अत्यंत कठोर बोलते हैं इसको, अत्यंत कठोर कठोर है, गलत गलत एंडिंग है, गलत एकदम काफी है, मचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे, और मचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे, और बचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे, और बचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे, और माँ बाप के बारे में बोलेगा, इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा, और ड्रेस है तेरा मेरे पास, अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा, एक और बार बोल उनके बारे, मामला रैप के पार ही जाएगा, बंटी तो पूरा है पुसी, पेपर भी तो गई, ये फाड़ नहीं पाएगा, फाड़ नहीं पाएगा। ये बीफ सीरियस हो गया इस मोमेंट पे, बीफ सीरियस हो गया वो। और मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक यू बिच। ठीक है, तो ये तो सीधी धमकी है कि मैं तेरे नेक्स्ट लगाऊंगा, तेरा एड्रेस मुझे पता है। कभी-कभी आई थिंक हाउ डू रफ्तार एंड कृष्णा कोएग्जिस्ट, एक लेबल में एक टीम के अंदर कैसे रहते हैं, दो ऐसे रैपर्स हैं, मतलब एक खुला बोलता है, एक बेचारा दब जाता है, अपने मां-बाप का, बहन किसी का नाम अभी तक वो नहीं लाया कहीं पे भी। इसने स्टिल यार, हां, इस गाने में भी कुछ नहीं बोला। ठीक है, बट फोर फादर वाली लाइन अगर देखी जाए बस थोड़ा,
नहीं वो भी वो रफ्तार लोग के लिए बोला और कुछ नहीं। फोर फादर्स तो वही है ना। हाँ एक बार बस मेरी फैमिली को सर आधे मिनट गाने के आधे में लिखा थे ये राउंड टू। ओ ये देखो ये थी इसके टाइम स्टैम्प। ए तुम लोगों ने नहीं देखा था ये वाला लाइन ये राउंड टू वाला? नहीं ये हाफ देखे थे लेकिन वीडियो के हाफ में कम। हाँ वीडियो के हाफ में एग्जैक्टली है। हाँ लोग अभी तक कैच कर रहे हैं खत्म होने के बाद। क्या हो रहा है भैया राउंड टू और ये भैया इस ब्लोन अवे राउंड टू 3.20 के बाद स्टार्ट हो रहा है हाफ में। हाफ में गाने के हाफ में अच्छा हाँ 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 देखो देखो ना अभी समझ में आया मेरे को। मैंने एकदम बीच में इसको रोका है पॉज किया ये राउंड टू यही से मां कसम वाला मोड आ गया यार। ओ भाई साहब मजा आया मजा आया। देखने एक टाइम आएगा ना कि यूनिवर्सिटीज में कृष्णा के जो गाने हैं उसको पढ़ाई जाएंगे कि कवि का तात्पर्य ये है कवि ये कहना चाह रहे हैं। अभी पढ़ाओगे भैया बहुत जल्दी प्रोफेसर। म्यूजिक अगर इंडिया में सब्जेक्ट बनता है ऐसे फुल फ्लेज्ड तो शायद। डीके भैया हाउ वाज द सेशन? मजा आया और मैं तो पता है इमेजिन नहीं कर सकता कि मैंने सोचा आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैंने लगभग सारे बार्स कंप्लीट कर लिए अभी मालूम पड़ा। और हो सके ना अगर हम दूसरी तीसरी बार और मतलब और जितना सुने उतना कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। और अभी कार्यापा भी बैठा होगा वहां पे एकदम बैठ के सारे गूगल वूगल सब मोबाइल लैपटॉप हर जगह खोल के नोटपैड कि भाई क्या बोला है वही ना ग्रैंडसन गुड नाइट ग्रैंडसन बस वो समझ नहीं पाए हम ना गुड नाइट ग्रैंडसन कुछ होगा बहुत कुछ होगा जो कुछ होगा बहुत कुछ होगा फिल्म का रेफरेंसेस हो गए एक दो मैं बता रहा हूँ। अच्छा एंड में क्या था कृष्णा ने बोला कि मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक्स कौन सा गाना? बिच वो अभी कुछ दिन पहले मचाएंगे फोर चाहिए क्या पब्लिक लाज या कृष्णा नहीं वो बोला है मेरा गाना प्रमोट नहीं, नहीं, इसका गाना इसका गाना। हाँ तो वो नहीं इमीवे तो दो दिन पहले ही डाल रहा था कि मचाएंगे फोर चाहिए क्या पब्लिक तो कृष्णा तो ला ही दिया ना मेरे को भी यही लगता है। ओ हाँ आई गेस मचाएंगे फोर तो अब कृष्णा का गाना कृष्णा गाना हाँ जो मुफार के साथ हुआ था ना। अरे अरे आप माकसम डालोगे यूट्यूब पे कभी भी मुफार वाला टॉप पे नहीं आने वाला। नहीं आया कभी नहीं आया आज तक नहीं आया। मैं तो पिछले साल मैंने सुना भी नहीं है गाना मैंने माकसम सुना भी नहीं। माकसम है किसका ओरिजिनली मुफार का है कृष्णा का फिर मुफार का पर मुफार मुफार ऐसा पहले बोला था अरे एक्चुअल हुआ था कि मुफार का गाना लीक हो गया था वो स्टेज पे परफॉर्म किया था माकसम तो कोई रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था तो फिर वहीं से कृष्णा डिस में वो वाला यूज कर दिया वाला फ्लो यूज किया एंड में कि टाइटल भी आप समझो कि वो एकदम एंड में है ऐसे वो गाने का पार्ट लगता ही है माकसम हार्ड नहीं छोड़ती तो शुरू से ही लगता है। बेसिकली वो आपके अपकमिंग सॉन्ग का नाम अपना सॉन्ग रख के आपको डिस कर और मचाएंगे फोर का भी देखिए ना वो तो एमवी का ही होना था एमवी ने डाला था ना चाहिए क्या पब्लिक के वो रिसेंटली डाला था उसने ना ये पता है बहुत क्या पता नहीं उसमें यस कौन किया था मेरे को मिलना है जो यस करते हैं ये ना चाणक्य है पता है कृष्णा चाणक्य है कूटनीति में माहिर है। मैं तो कहता हूं इसको फॉरेन मिनिस्टर बना दो क्या तो रफ्तार हो पीछे बैठ के खेलता है कृष्णा कृष्णा है ये भाई चाणक्य क्या रफ्तार है वो पीछे से खेलता है सामने कृष्णा को ढकेल देता है जा बेटा तू डिस्क है नहीं वही है ना रफ्तार रहते नहीं बोल पाएगा बात ये है उसके ऊपर यार वो नहीं बोल पाएगा बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम है वो। बट पता है थैंक्स टू कृष्णा रफ्तार डज नॉट इवन नीड टू कम हियर ये बात सही है कलमकार में कोई और रफ्तार को सूट भी नहीं करता है ना रफ्तार का लेवल कुछ और ही है। रफ्तार जब वो था वो एकदम हमें गरम खून वाला जब था लाइफ पे गाली दे देता था वो मोड उसका अलग था। रफ्तार आज गाना अनाउंस करेगा आएगा अगले साल तो मतलब तब तक बीफ भी रहेगा बारिश पी तो बारिश ही पी रहेगी भाई दो बारिश खत्म होगी वो रफ्तार रफ्तार भी आएगा। हाँ नहीं यार सुन तूने कल ही तो बोला था मुझे उतना मजा नहीं आया बादशाह का लाइन है सब कुछ लेट करूँ जैसे दिलीप नायर। अच्छा हाँ उसने कहीं कमेंट भी किया था किसी रफ्तार के किसी पोस्ट पे। रफ्तार का डिस्ट्रैक्ट तभी आएगा अगर उसमें कोई ब्रांड हो ब्रांड प्लेसमेंट हो जाए बस बस रफ्तार को रोशनी ओला स्कूटर और मैकडॉनल्ड्स का आ जाएगा तब तब पक्का आ जाएगा मारने वाले को कोई काउंटर नहीं कोई नहीं ना ठीक है वो बेकार एलिगेशन था।
विशाल भैया ने वो बात सही बोली कि अभी ना सब छोटी छोटी बातों को डिफेंड कर रहे हैं बीकेपी वाले, बट उस टाइम इतना सीरियस एलिगेशन को तब ऐसे कोई प्रूफ नहीं मांग रहा था। सही बात है, डोमेस्टिक वायलेंस का जो एलिगेशन डाला था, घोस्ट राइटिंग पे सब चढ़ गया, ऐसे कैसे बोल दिया घोस्ट राइटिंग करवा रहा भैया। केआरएल साइन सुनते ही ऐसा सीधा स्ट्राइक किया कि अगर ये बंदा केआरएल साइन जैसा गाना बना सकता है तो चुसम्मा में क्यों ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कॉल पे थे, हम लोग वही 1000% घोस्ट राइटिंग हुआ है। नहीं ये नहीं बोलते, ये न्यूट्रल चैनल है। अच्छा सॉरी, काट दीजिएगा कुछ नहीं, सब्सक्राइब टू एमवी बंटा है, कुछ नहीं करेगा, मैं ऐसे डाल रहा हूं, एकदम 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 ऑनेस्ट रहेगा, है ना बंटा है को, मेरे को नहीं लग रहा और सब्सक्राइबर्स चाहिए यार, बहुत है उसके पास, सबके मिला के उसके पास अकेले के व्यूज चाहिए, व्यूज चाहिए बस, व्यूज आ जाए वो 17,000,000 अगर तो बहुत है, जितने हैं सब्सक्राइबर उतने व्यूज। दैट्स इट ये एंड वाला मुझे खटक रहा था कि तूने मेरा गाना प्रमोट किया उसके लिए थैंक्स, अब समझ में आया कि मचाएंगे फोर इनका गाना है और इसको बंटाई ने प्रमोट किया, अब समझ में आया। यस सर, चलो बढ़िया, मजा आया ना, मतलब ऐसा सेशन हम पहली बार कर रहे हैं, बैठ के ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अब से हम ऐसा ही करेंगे, बंटाई जब गाने तो उसका श्योर करेंगे हम ऐसा ही। अरे जरूरत पड़ेगी, मैं आता हूँ बाल कलर करा के आता हूँ, जरूरत पड़ेगी तब, कौन बोला जरूरत पड़ेगी तब। मेरे को नहीं लग रहा यार इसके बाद आएगा कुछ, आएगा लग रहा है क्या मेरे को, तो आएगा ऐसे कुछ आएगा, बंटाई छोड़ता नहीं है, पता नहीं क्योंकि उसने पिछले गाने में इतना भर भर के डाला था कि मेरे को अगला ना निकालना पड़े, उसने सब यूज किया था वही, मतलब अगले गाने में क्या बोलने वाला वही सोच रहा हूँ मैं यही सोच रहा था कृष्णा बोर बोलेगा क्या कि इतना कुछ पहले बोल चुका है, बट भैया ये अब ये निकला तो दिस इज गोइंग बियॉन्ड, और अभी भी है उसके पास बोलने लायक, दिस इज गोइंग बियॉन्ड, और एंड में अगर आई डोंट आई होप कि कुछ सीरियस था, कुछ मतलब माथा पाई पे ना फंसे था, आई होप ना, क्योंकि एंड में धमकी तो ऐसे ही मिल रही है भाई, गुड़गांव कुछ बोल रहे थे सब, अरे नहीं मैं वही कह रहा हूँ गुड़गांव का है, येड़े होते हैं वहां के बंदे भी भाई, सही बात है, वो इंस्टाग्राम लाइव नहीं करते। अरे भाई आपको भी गुड़गांव जाना था ना, अरे यार मैं क्या ही बोलूं कोई नहीं, अभी वही होता मैं शायद गुड़गांव में ही होता, लेकिन नहीं हूँ, टिकट कैंसिल हो गया, प्लान ही कैंसिल हो गया, दोस्त भी आए हैं वहां। चलो एक बात अग्री करता हूँ मैं कि बंटाई के एक गाने, एक चीज से मैं अग्री करता हूँ कि बंटाई गाने पे ना ऐसा मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा ये ब्रेकडाउन वगैरह करने का, चीजें समझ में आती, आदि तो मतलब वही एल सी, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं उसके डेज होते हैं, बनाना बनाना का रेफरेंसेस, बनाना बनाना खाली वही, आधे गाने में सिर्फ वही होता है। चुसम्मा का रिएक्शन पता मैंने देखा था रोहन करियप्पा के चैनल पे, वो लोग कह रहे थे कि ये क्या बोलते हैं ये गाना, ये हाफ ब्लड एंड मर्डर, क्या मर्डर है, हाफ मर्डर है, ये चबाने की बात कर रहा है ना बनाना को, जो भी है ऑर्गेनिक है वही मैटर करता है, इंडिपेंडेंट है, फुल हार्ट। तो एक क्वेश्चन ओनली देसी पॉप से कि क्या आप बायस्ड है, ये मतलब है ना, मतलब हाँ बहुत मजा आता है, एक बार इधर से एक बार उधर से, मतलब जान आ जाती है DHH में। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विशाल, शिवम, शुभम, जॉय, रोहन, चलो रोहन कड़ी पत्ता, लाइक शेयर सब्सक्राइब, चलो थैंक यू, बाय 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 बाय।